अगर किसी ने ईद से पहले ईद का मजा लेना हो तो यू डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल बिट ऑफ मिनट। फटाफट से आप अगर फैसलाबाद में हैं या फिर फैसलाबाद आ रहे हैं तो ग्रैंड एट्रियम मॉल आ जाएं। ये कैनाल रोड पे एक बहुत ही लेविश मॉल है और जिसका थीम है फैमिली एंटरटेनमेंट मॉल। और मैं जब यहाँ पे मौजूद हूँ तो मेरे साथ इस वक्त जो इस अगर मैं ये कहूँ कि कैप्टन है इसकी ऑपरेशन टीम के तो गलत नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली तुराब साहब हमारे साथ हैं जो कि जनरल मैनेजर हैं और इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें नई नई जो है वो इस मॉल के अंदर कर रहे हैं। तो उनसे हम पूछते हैं, एक्साइटिंग बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसा है कि जैसे ज़बरदस्त एक एग्जीबिशन हो रही है जहाँ पे फैसलाबाद भर की फैमिलीज जो है वो मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और ख़ास करके ख़वातीन जो कि हर जगह की रौनक बनती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इधर पूछते हैं इनसे कि एक्चुअली ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये हम लोग ने इस वक्त आपने देखा है कि फैसलाबाद में हमने देखा है कि इंटरटेनमेंट बहुत कम है, तो उसके लिए हम लोग की कोशिश, हम लोग ये प्लान किया हुआ है कि फैसलाबाद में हम कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दें जिससे फैमिलीज इंटरटेनमेंट बढ़ जाए। यहाँ पे ज़्यादातर लोग खाने पीने के शौकीन हैं बट इंटरटेनमेंट इस तरह से नहीं थी, तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम एग्जीबिशन यहाँ पे कराएं। हम इस मॉल के अंदर, इस मॉल को हमने एक इंटरटेनमेंट मॉल का माहौल दिया है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये लाहौर से आए हुए हैं द एग्जिबिट वाले और इन्होंने, इनको हमने यहाँ पे दावत दी कि ये लोग आएँ और यहाँ पे आके ये लोग अपना एग्जीबिशन करें। ये सारे जितने भी लोग आप यहाँ पे दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, तो उन्होंने आप देखेंगे सारे लाहौर से हैं ये, ताकि जो फैसलाबाद के लोकल्स हैं उनको एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ मिले। लोकल आइटम तो उनको हर जगह मिल जाते हैं, थोड़ा सा शहर के बाहर से इन्हें चीज़ें मिलें वो हमारा बस उस चीज़ की थोड़ी सी काविश थी। बाकी जो सारा हिसाब है आप देख सकते हैं कि फैमिलीज आ रही हैं, अच्छे क्राउड यहाँ पे मज़ेदार है, सिक्योरिटी वगैरह का हमने प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है, SOPs की भी पूरी कोशिश हो रही है कि कोरोना SOPs को भी हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो बस अब हमारा यही है आगे भी इसी तरह के, अब ईद का भी माहौल आ रहा है, आगे जिस तरह से भी हो सके हम लोगों को इंटरटेनमेंट दे सकें। अच्छा, इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रैंड एट्रियम मॉल में आने वाले हर दिन में कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है, तो आप और क्या क्या कुछ प्लान कर रहे हैं फैसलाबाद के लोगों के लिए। जी अभी हमारे 2 से 3 सरप्राइजेज हैं फैसलाबाद के लिए जो कि हम इंशाल्लाह ईद के बाद लेके आएंगे। कुछ फूड में हैं, कुछ रिटेल में हैं, वो हम बहुत जल्द आपको डिस्क्लोज भी करेंगे। ग्रैंड एट्रियम के हमारे पेज पे आप फॉलो भी करते रहें तो आपको नज़र आता रहेगा कि हम किस तरह से उसकी प्रोग्रेस भी आपको सारी नज़र आएगी। ओके तो इंशाल्लाह 3 से 4 ब्रांड जो ईद के फौरी बाद हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, फूड के भी और रिटेल के। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रैंड एट्रियम मॉल में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए बहुत कुछ है। कुछ शहर के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं जो देख रहे होंगे अभी। जी शहर के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट, पहले तो मैं कहूँगा कि जी आपको ज़रूर पसंद आए ना पसंद आए वो बात की बात है, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे हमने बड़ों से लेके बच्चों के लिए हर चीज़ दी हुई है। बड़ों के लिए हमने यहाँ पे रिटेल स्टोर्स हैं, बच्चों के लिए हमारा फैंटेशिया है जो इस वक्त फैसलाबाद का पहला इंडोर थीम पार्क है। उन सबको एक दफ़ा विज़िट यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी ईद की खुशियों में शायद हम कोई रंग भर सकें, तो वो हमें मौका दें उसका और ज़रूर इधर एक दफ़ा ग्रैंड एट्रियम मॉल वेस्ट कैनाल रोड के ऊपर विज़िट करें ताकि उन्हें पता लगे कि क्या फैसलाबाद के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच तुराब। और मेरे साथ जरा मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। इट इज़ टोटली पैक्ड, शहर भर से ख़वातीन, लड़कियाँ और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे उमड़ आए हैं। हाई लाइफ, किसने नहीं सुना होगा हाई लाइफ का नाम, तो हाई लाइफ अगर सुनते हैं हाई लाइफ PR के बारे में, तो हाई लाइफ PR की जो जो ब्रेन है, जो आप मैं कहूँ कि लीडिंग पर्सनैलिटी, वो हमारे साथ हैं। एग्जिबिट, दी एग्जिबिट ने ये सारा प्लान किया है, PR जो है वो हाई लाइफ ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक दफ़ा मैं, क्योंकि आपका नाम जो है वो पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ, ओके जी महक हमारे साथ हैं, तो महक ज़रा आप बताइएगा लाहौर से आप आई हैं फैसलाबाद के अंदर, आपको कैसा लग रहा है और क्राउड ने कैसा आपको फीडबैक दिया है? अच्छा वैसे आई एम हियर इन फैसलाबाद पर्सनली एंड जो ये एग्जिबिट वाले हैं ना ये आए हैं लाहौर से, दे हैव ऑर्गेनाइज इवेंट एंड आई एम द वन हु इज डूइंग द मार्केटिंग, मैं इनकी PR कर रही हूं, इनकी मार्केटिंग कर रही हूं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ईद से पहले वो जो एक शॉपिंग वाली वाइब्स होती है ना वो सारी आ रही है, एवरीबॉडी इज लविंग इट क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कराची से आए हुए हैं डिजाइनर्स, लंदन से आए हुए हैं ब्रांड। अच्छा। और ये पैराडॉक्स लंदन जो है इट्स अ वेरी गुड ब्रांड और ये लंदन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है जो यहाँ पे आ रही है एंड काफी अच्छा जा रहा है और एवरीबॉडी इज लविंग इट। अच्छा पैसा कमा रहे हैं सारे? जी 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 सब काफी अच्छा कमा रहे हैं, तो अच्छी बात है। ईद से पहले जरा लोग भी अच्छा एंजॉय करें, एक अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट है जो फैसलाबाद में। यहाँ ग्रैंड एट्रियम मॉल वालों ने भी अच्छा इनिशिएटिव दिया जो उन्होंने कहा हमारा वेन्यू आप चूज करें बिकॉज काफी अच्छा फैमिली मॉल है, नई नई इधर भी चीजें काफी ओपन हो गई है, काफी वर्किंग में आ गया मॉल, सो इट्स अ गुड।
सही है, व्हेनेवर यू गो फॉर एनी एग्जीबिशन तो उसमें क्या फायदा होता है? मतलब एक तरफ तो ये है कि आपको पाकिस्तान भर के डिफरेंट ब्रांड्स जो है वहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखे अगर आपको किसी की चीज पसंद है तो आपको लाहौर या कराची जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वही उठ गया आपके पास आ जाए तो फिर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मल्टी ब्रांड जब करते हैं ना तो हर किसी को पता है कि यहाँ से ज्वेलरी भी मिल जाएगी, जूते भी मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, एवरीथिंग ही पूरा एक वो पैकेज है। और कहीं भी आपको ये नहीं होना पड़ेगा ना कि आपने गाड़ी में जाना है कहीं और शॉप पे, फिर कहीं और, फिर कहीं और। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो पर्सनली लोग इतना ट्रैवल नहीं करते, जो लोग इतना कराची नहीं जाते फैसलाबाद से, या लोग इतना लाहौर नहीं जाते, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको जाना ही नहीं पड़ता। सही, तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि मतलब यूजुअली थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट ये भी होता है कि कुछ ऐसी जगहों पे जब जाएं तो कुछ ऑफर्स उनको मिले और उनको कुछ जो शोकेस प्राइस है उससे थोड़ा सा हटके कोई चीज मिल जाए, तो वो भी कुछ ऐसा है? जी जी, जैसे हिना मिर्जा आए हुए हैं, ये कराची का ब्रांड है बट अब लाहौर में भी है, तो ये वहाँ से आए हुए, इन्होंने 20% ऑफ दिया हुआ फ्लैट हर चीज पे। और ये जो पैराडॉक्स लंदन वाले हैं, इनका आज के दिन का प्रमोशन है, ये 30% ऑफ पे अपने शूज दे रहे हैं, जो की बहुत अच्छी ऑफर है कि नॉर्मली ऑनलाइन इनके इतने के नहीं मिल रहे जितने के इनके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड हर किसी का दिल भी करेगा कि फटाफट ले ले। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा फटाफट से हमें बता दें, क्योंकि ये तो दो तीन चार ब्रांड्स के बारे में आपने बता दिया, कुछ और भी जो यहाँ पे ब्रांड्स हैं उनका भी थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। जी यहाँ पे एक ज्वेलरी ब्रांड है जो टर्की से पूरी इम्पोर्ट कर रहे हैं ज्वेलरी, उनके पेंडेंट्स बहुत खूबसूरत हैं और प्राइसेस इतनी रीजनेबल है कि आप मतलब कहेंगे कि वाओ। और यहाँ पे ये शू ब्रांड भी आए हुए हैं, क्लोथ्स के बहुत ज्यादा है एंड काफी अच्छा है, अनस्टेज स्टेज हर चीज का ऑप्शन है। और यहाँ पे हेयर ऑयल भी आए हुए थे तो वो भी बहुत अच्छा है, जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए। नहीं नहीं, इट्स फॉर मेकिंग योर हेयर मोर थिकर एंड मोर बेटर, तो वो बहुत अच्छा था डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ऑयल था जो अभी उनकी काफी सेल हुई है, सो दे हैव वेंट बिकॉज आई थिंक दे वर आउट ऑफ स्टॉक, तो काफी अच्छा उनका था। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे रेडियो पे? मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी अभी आना चाहता है, दे कैन कम बिकॉज वी आर हेयर। हमारा पहले 7 तक टाइम था बट नाउ वी आर थिंकिंग टू एक्सटेंड बिकॉज पीपल आर गिविंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड देर आर सो मेनी पीपल हु आर सेइंग कि नहीं हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं। तो इट्स एवरीबॉडी कैन विजिट द ग्रैंड एट्रियम मॉल ऑन कनाल रोड एंड यहाँ पे अभी हम अराउंड 9 ish हैं, सारे ब्रांड्स हैं 9 तक, तो प्लीज कम एंड विजिट इफ यू वॉन्ट गुड and अच्छी pocket friendly shopping because it's a very good and सारे ऊपर से अच्छे standard वाले brands हैं, कोई local brands बहुत कम है यहाँ पे, सारे ही वहाँ से आए हुए हैं लाहौर से कराची से, तो it's a very good option. Thank you so very much for being with us, ladies and gentlemen. हम लोग इस वक्त अभी मौजूद हैं यहाँ पे और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारी families, बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त entertainment है, यहाँ पे आइए घूमिए फिरिए खाइए और आपको बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा लगेगा। इवन आई एम श्योर कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या खरीदूँ और कितना खरीदूँ, बिकॉज सब कुछ आपका लेने का दिल करेगा। तो आइए फिर और हम लोगों के साथ और यहाँ पे जो इतनी ज़बरदस्त जुबिलेशन है उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू से गुड बाय फ्रॉम ग्रैंड एट्रियम मॉल कैनाल रोड।